हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सनी भाटिया आपके मेरे यूट्यूब चैनल द सन सनी में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पानी की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियाँ होने का खतरा रहता है। आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाली है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि दिन भर की भागदौड़ के कारण लोग पानी कम पीते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 60-70% पानी ही है। अगर हम पानी ही कम पियेंगे तो हमारे शरीर में इसका काफ़ी नुकसान पहुँचता है। आज मैं आपको बताऊँगा कि पानी पीने से कौन कौन से नुकसान हमारे शरीर में होते हैं। वैसे तो पानी पीने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में उन्हीं नुकसान के बारे में बताऊंगा जो हम डेली लाइफ में देखते हैं या महसूस करते हैं, यानी जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ महसूस करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक है मुंह की बदबू। पानी की कमी मुँह में बदबू पैदा कर सकती है। मुँह की लार बनाने में पानी का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब आप पानी कम पियेंगे आपका मुँह सूखने लगता है और मुंह की लार जो बनती है वो कम बनने लगती है, जिसके कारण मुंह में बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं और सांसों से बदबू आना शुरू हो जाती है। मुंह की बदबू से बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नंबर दो है, पानी की कमी होने से हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। पानी हमारे शरीर में बीमारी और इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी हेल्प करता है और इसके साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। पानी की कमी होने से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और हम बार बार बीमार पड़ने लगेंगे। नंबर तीन है, चेहरे से चमक गायब होना। सही मात्रा में पानी पीने से चेहरे में चमक आती है, लेकिन अगर हम पानी कम पियेंगे तो हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ, दाग, मुहासे और रूखी त्वचा जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है। कम पानी पीने से हमारे चेहरे की चमक भी खत्म हो सकती है। नंबर चार है, हमारे दिमाग के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही मात्रा में पानी पीने से हमारा दिमाग लंबे समय तक शार्प रहता है और एक स्टडी में यह भी पाया गया है कि सही मात्रा में पानी पीने से हमारा दिमाग काफ़ी हेल्दी रहता है और जो हमें भूलने की बीमारी होती है उससे भी हमें बचाता है। नंबर पाँच है, पानी की कमी होने से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाता है। एक स्टडी में यह पाया गया है सिर्फ 2 गिलास पानी पीने से ही हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म 30% तक इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हमें अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। सही मात्रा में पानी ना पीने से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण आप एनर्जी की कमी महसूस कर सकते हैं। पानी की कमी से सर दर्द, तनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कम पानी पीने से सर दर्द की समस्या काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि पानी कम पीने से हमारे शरीर में कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। हमें रोज़ाना 8-10 गिलास पानी या फिर 2-3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं तो आपको डेली 3-4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो भी आपके कमेंट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक धन्यवाद।